अब हम बात करनी कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में, कुछ कमीशंस के बारे में जो कि पिछले उसमें न्यूज में थी। जस्ट एक बार गो थ्रू करवा दूंगा सो दैट आप लोगों के लिए रिवीजन करना जो है वो आसान हो जाए। तो बात करेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये न्यूज में था, ठीक है। तो क्यों न्यूज में था उसके बारे में देखते हैं क्या क्या इसके चीजें हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स क्या है कि दिस बॉडी इज द वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन आवर कंट्री, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ओके, वॉच डॉग, मैं आपका ये कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है ना। तो वॉच डॉग ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ये आपको फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा, दिस इज रिलेटेड टू पेरिस प्रिंसिपल। आपके पास था पेरिस प्रिंसिपल और आपके पास था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो पेरिस एग्रीमेंट आपका अलग है और यहाँ पे पेरिस प्रिंसिपल जो है ये आपका अलग है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है पेरिस प्रिंसिपल से रिलेटेड है, ठीक है ना। जिसका जिसका काम ये था, इसलिए इसको अडॉप्ट करा गया था सो दैट कि ह्यूमन राइट्स को जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको जो है प्रमोट किया जाए, लोगों को पता हो ह्यूमन राइट्स हैं क्या। उसके बाद जो है इसका एंडोर्समेंट जो है यूनियन यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भी जो है हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वो दिस इज योर स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो 1993 में जो है इस एक्ट के तहत जो है इस बॉडी का गठन हुआ था। कंपोजिशन के बारे में अगर बात करेंगे तो इट्स अ मल्टी मेंबर बॉडी जिसमें कि आपके चेयरपर्सन होंगे, या चेयरपर्सन कौन होंगे, या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे 5 मेंबर्स होंगे। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आई वुड सजेस्ट कि आप जो है एक शीट के उसमें लेके इस टाइप से चीजों को लेके ना आप जो है बॉडीज को लिख लीजिए सो दैट कि एक एक A4 शीट में जो है सारे के सारे बॉडी के प्रोविजन जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद NHRC के अपॉइंटमेंट की अगर बात करोगे तो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। सिलेक्शन कमिटी, अब इसके लिए जो है सिलेक्शन कमिटी होगी, ठीक है ना, 6 मेंबर की सिलेक्शन कमिटी होगी। उसमें कौन कौन होंगे? PM एज अ चेयरपर्सन होंगे, फिर आपके स्पीकर होंगे, फिर आपके डेप्यूटी चेयरपर्सन होंगे, फिर उसमें आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिर सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड Only after consultation with the Chief Justice of India, ठीक है ना। तो Chief Justice of India की consultation में जो है अगर मान लीजिए कि वो नहीं आ पाते हैं तो उनकी जगह जो है कोई भी sitting judge Supreme Court का या फिर कोई भी Chief Justice High Court के जो है उनको appoint किया जाता है। Tenure कितना रहता है? Tenure रहता है आपका 3 साल, और एज कितनी रहती है? वो रहती है 70 years, ठीक है ना। अब ये eligible for reappointment but not eligible for further appointment in government of India or state. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रीअपॉइंट जो है इनको करा जा सकता है बट फर्दर एलिजिबल जो है वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अब दूसरे उसमें वो नहीं कर सकते। सैलरी कितना है? डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल ऑन द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी वैरीड टू हिज डिसएडवांटेज। एक बार अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद जो है उनके उनके डिसएडवांटेज में जो है ये सैलरी और ये सब नहीं जाएगा। फंक्शंस बहुत बेसिक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। इंक्वायरी इनटू एनी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सुओ मोटो, ठीक है ना, टू विजिट जेल्स एंड डिटेंशन प्लेसेस, टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स, स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, सो दैट कि यहाँ पे जो है जो भी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो वो ग्राउंड लेवल पे हम लोग उसको कर पाए। ओके, अदर एस्पेक्ट्स क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट है कि सबमिट इट्स एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देती है। इट हैज द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। ओके, पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट जो है रहता है, और इसकी जो प्रोसीडिंग्स होती है इसमें जुडिशियल कैरेक्टर जो है आपको देखने को मिलेगा। इनका अपना खुद का इन्वेस्टिगेशन स्टाफ होता है एंड एम्पावर टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी। तो इनको एम्पावर होती है कि मान लो कि अगर इनको CBI की मदद चाहिए या फिर XYZ किसी भी एजेंसी की मदद चाहिए तो ये जो है ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ प्रारंभ के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। प्रारंभ जो है ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है, साथ के साथ ये हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है प्री मेंस इंटरव्यू के लिए। इस कोर्स को इस तरीके से हम लोगों ने डिजाइन करने की कोशिश करी है जो कि आपकी UPSC की डिमांड को फुलफिल करती हो। जैसे कि हम लोगों ने इसमें वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, अगर आप वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे तो हम लोगों ने NCERT को भी जो है बहुत प्रायोरिटी दी है। हम लोगों ने 6 to 12 की समरीज क्रिएट करी है, साथ के साथ प्री मेंस के लेक्चर के ऊपर भी हमने फोकस करा है। आपकी CSAT को भी ध्यान में रखा गया है, करंट अफेयर्स का भी यहाँ पे मेंशन हम लोगों ने किया है। साथ के साथ आप देखोगे पढ़ाई तो आप लोग करोगे, साथ के साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज को भी हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप वहाँ पे वीकली प्रीलिम्स MCQs क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, साथ के साथ आप फुल लेंथ टेस्ट भी जो है सॉल्व कर सकते हो। CSAT को भी
प्रायोरिटी दी गई है, यहाँ पे टेस्ट को इंक्लूड करा गया है, मेंस की भी यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जो है इवैल्यूएशन कॉन्स्टेंटली होता रहे, आपकी राइटिंग जो है कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रही, इसका भी मेंशन हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर आपका किया है। स्टडी मटेरियल भी है, जो भी पीपीटीज जो भी फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाएंगे तो वो पीपीटीज भी आप लोगों को डिलीवर होंगे, साथ में जीएस बुक्स जो है वो भी आपके डोर स्टेप पे जो है अवेल कराई जाएगी। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं video.onlyis.in। साथ के साथ किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज के बारे में, ठीक है ना। तो क्या है इसमें, रिसेंटली फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर इकबाल सिंह लालपुरा ही हैज बीन चूजन फॉर द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज। अब इसमें आपकी मिनिस्ट्री देखेंगे कौन कौन सी है। अब क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, तो हमें यहाँ से ये पता चल जाता है ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका माइनॉरिटी से रिलेटेड जितने भी काम होता है ना उसकी वर्किंग को, तो उसको सेफगार्ड कराने की कोशिश करता है, ठीक है ना। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो भी पार्लियामेंट ने लॉज बनाया है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी टाइप की चीज करी है, तो चीजें जो है उनके अकॉर्डिंग चले, तो ये उनका काम है देखना। कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो इनमें भी चेयरपर्सन रहेंगे, वाइस चेयरपर्सन रहेंगे और इसमें 5 मेंबर रहेंगे, ठीक है, जो कि सबके सब कहां पेंगे, ऑल ऑफ देम शैल बी फ्रॉम अमंग्स द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो ये आपका ध्यान में रखना है कि सारे के सारे जो क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो कमिटी है, ध्यान से सुनिएगा, जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज है, इसमें जो है सारे के सारे मेंबर्स माइनॉरिटी कमिटी से बिलोंग नहीं करते, तो ये आपका हो जाएगा गलत। आपको लगेगा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, सारे तो नहीं हो सकते, एक दो तो हो सकता है, तो वहां पे जो है आप कंफ्यूज हो सकते हैं। टोटल ऑफ 7 persons टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शुड बी फ्रॉम अमंग्स द पर्सन ऑफ एमिनेंस एबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। ईच मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है ना, तो 3 साल तक इनका जो वो टेन्योर रहता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है, तो माइनॉरिटी से अगर किसी भी टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको जो है आप उसके लिए जो है मेंस के अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के लिए जो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें जो है माइनॉरिटीज को लेके कही गई है। सबसे पहले बात करी गई है आर्टिकल 15, जिसमें बात करा गया है कि भाई किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये ऑलरेडी सारा स्टार्टिंग का पोर्शन है तो डिस्कस हम लोगों ने कर लिया था। आर्टिकल 25 टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। 26 बात करता है कि भाई अपना रिलीजियस अफेयर जो है वो मैनेज करो। 27 बोलता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है ना, ओके। तो ये सारी चीजें जो है माइनॉरिटी, तो ये अगर ब्लॉक आपके ध्यान में होगा ना तो मेंस में जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर माइनॉरिटीज के ऊपर लिखना है आपको ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है। फिर बात करेंगे आर्टिकल 28 के बारे में, जिसमें कि ये बोला गया है कि आपके पास फ्रीडम है कि आप किसी भी टाइप के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और इनको जो अटेंड कर सकते हो। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टडी, तो माइनॉरिटीज को ये भी कहा गया कि भाई आप चाहो तो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 350B के बारे में, द सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 इंसर्टेड दिस आर्टिकल व्हिच प्रोवाइड्स फॉर अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का मतलब रिलेटेड टू लैंग्वेज, तो ये नॉमिनेट कौन करेगा, इसको करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनको नॉमिनेट करेंगे, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर बात करें कि सिख रिलीजियस कम्युनिटीज की कौन कौन से है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, ज़ोरास्ट्रियंस हैं, जैन्स हैं, दे हैव बीन नोटिफाइड, इनका जो है नोटिफाइड किया गया गेजेट ऑफ इंडिया में कि भाई ये लोग जो है ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको बात करेंगे हम लोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में, तो इसमें क्या है कि इसमें रिपोर्ट पाया गया कि इतने बच्चे जो हैं वो इस डेट से इस डेट के बीच में जो है क्या हो गए, अनाथ हो गए, ऑर्फन हो गए, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है देखते हैं। अब इस बॉडी को सेटअप करा गया था 2007 में। दूसरा आपको जो ध्यान में रखना है प्रीलिम्स पॉइंटर की, ये जो बॉडीज हैं वो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये समझ में आता है। मैंडेट क्या है कि इंश्योर करा जाए जितने भी लॉज हैं, पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, बच्चों दे आर इन कॉन्सोनेंस, दे आर इन साइनर्जी, ठीक है ना, विद द चाइल्ड राइट्स पर्सपेक्टिव
as enshrined in the Constitution of India and the UN Convention of the Rights. तो जो भी चीजें हैं वो child rights के perspective से जो है उसका ensure कराने का जो काम है वो इस body का काम है. कंपोजिशन में कौन कौन रहेगा, चेयरपर्सन रहेंगे, 6 अदर मेंबर्स रहेंगे, जिसमें से कि 2 का वुमेन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा. अगेन एमिनेंस, एबिलिटी, इंटेग्रिटी, स्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग फील्ड्स, एजुकेशन से रिलेटेड वो इंसान वो इंडिविजुअल हो सकता है. फिर हम बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में, फिर हम बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस के बारे में, ठीक है ना. जुवेनाइल जस्टिस और केयर ऑफ नेग्लेक्टेड मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन, क्योंकि अगर इनको ट्रीटमेंट अगर सही से मिलेगा कल को ये जाके कल को पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं, कल ये जाके जो है आपके जॉब क्रिएट कर सकते हैं. तो इसीलिए स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि इन बच्चों को जो है वो ध्यान रखें. फिर चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, लॉज रिलेटिंग टू चिल्ड्रन हो गया, तो इन टाइप के लोगों को जो है उस कमेटी में जगह मिल सकती है. फंक्शंस में वही बोल बच्चन बातें हैं कि एक्सेस एंड रिव्यू करा जाएगा कि भाई सेफगार्ड चाइल्ड राइट से रिलेटेड बच्चों को सेफगार्ड प्रोवाइडेड है कि नहीं है. फिर प्रेजेंट रिपोर्ट्स क्या है, प्रेजेंट लॉज क्या है, उनके ऊपर जो है बात करी जाएगी. फिर हम बात ये करी जाएंगे द स्टडी द फैक्टर्स दैट प्रिवेंट द एंजॉयमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन. तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है जो कि बच्चों को अपने राइट से एंजॉय करने के लिए रोकते हैं, ठीक है ना. अगर कोई चाइल्ड राइट वायलेशन हुआ है तो उसको किस तरीके से जो है प्रोसीडिंग्स करनी है, तो इन सब के बारे में जो है ये बात करेगा. फिर हम बात करेंगे लॉ कमीशन के बारे में. तो लॉ कमीशन में क्या है, द गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है दैट अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज अंडर कंसिडरेशन, ठीक है. बैकग्राउंड क्या है कि 2020 में जो है लॉ कमीशन का गठन हुआ था, पर उसके बाद जो है कोई प्रोग्रेस जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड नहीं ली गई, ठीक है ना. और एंड द शॉर्ट एफिडेविट फाइल्ड बाय द लॉ मिनिस्टर इन द कोर्ट डज नॉट एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द डिले. तो इसमें ऐसा कुछ डिले देखने को नहीं मिलेगा, ना ही वो इम्पोर्टेंट है. तो आपको ध्यान में रखना है कि जो लॉ कमीशन है ये इस्टेब्लिश हुआ था ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ओरिजिनली फॉर्म हुआ था 1955 में, द कमीशन इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 years, ठीक है ना. और अभी तक जो है इतने रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सबमिट जो है वो कर चुके हैं. फिर लास्ट लॉ कमीशन की बात करोगे तो अंडर जस्टिस बीएस चौहान हैड सबमिटेड रिपोर्ट्स एंड वर्किंग पेपर्स ऑन की इश्यूज. की इश्यूज कौन कौन सी थी, आपके लोकसभा से रिलेटेड थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड थी, ठीक है ना, और असेंबली से रिलेटेड जो है कुछ थी. तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये आपका प्रीलिम्स पॉइंटर है. फिर आपको ये जो है ये आपको ध्यान में रखना है लॉ कमीशन के बारे में. ओके, अब इसमें क्या क्या है, इसमें देखो अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ फुल टाइम चेयरपर्सन द कमीशन विल हैव 4 फुल टाइम मेंबर्स इंक्लूडिंग अ मेंबर सेक्रेटरी, लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज इन द लॉ मिनिस्ट्री. इट विल आल्सो हैव नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स. तो 5 से ज्यादा जो है पार्ट टाइम मेंबर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे. और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ऑफर या फिर आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है इनके कमीशन को करेगा हेड. लॉज फंक्शन में वही देखो क्या क्या है कि ये जो है लॉ कमीशन जो है वो रिसर्च लेगी लॉ में कि हमारे लॉ में किसको किसके स्कोप को बढ़ाना है, किसके स्कोप को घटाना है, कौन से लॉ को हटाना है, जो अब की कॉलोनियल लॉज है तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी ना तो उसमें जो है रिफॉर्म्स की बात करेगी. या फिर अगर हमें कोई नया लेजिस्लेशन चाहिए उस डोमेन से रिलेटेड, उस सेक्टर से रिलेटेड, उस एरिया से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी जो है ये सरकार को सजेशंस दे सकती है. इट विल ऑल्सो अंडरटेक स्टडीज एंड रिसर्च फॉर ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन द जस्टिस डिलीवरी. तो किस तरीके से जो है जस्टिस डिलीवरी को में रिफॉर्म्स लाया जाए सो दैट की स्पीडी डिलीवरी जो हो, ठीक है ना, जो डिले होता है उसको एलिमिनेट करा जाए और जो लिटिगेशन का जो कॉस्ट है उसको जो है कम किया जाए. फिर हम यहाँ पे बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में. तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ये है क्या, ये है मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसमें कि ये बोला गया कि भाई एग्जीक्यूटिव अपना रोल निभाएगा, लेजिस्लेटिव अपना रोल निभाएगा और जुडिशियल पावर जो है ये अपनी रोल निभाएगी. तो ऐसा कोई भी बॉडी नहीं होगा कि जिसमें ये सारी पावर जो होगी ये एक साथ कंसंट्रेटेड होगी, रादर ये आपकी डिवाइडेड होगी अलग अलग ब्रांचेस में. अब ध्यान से ये रखना है कि ये जो डॉक्ट्रिन है इट हैज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हैज बीन मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर इज नो, इट हैज नॉट बीन मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो इसकी पावर्स अलग अलग है. अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 50 जो कि बात ये करता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ एंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. समझ पाए, तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है
उसको उसको इंश्योर करने के लिए जो है स्टेट जो है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर देगा। आर्टिकल 122 कहता है इट मैंडेट्स द कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो कोर्ट को ये बताता है कि भाई आप जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में जो है इंक्वायरी नहीं करोगे। ऑल्सो आर्टिकल 212 बार्स कोर्ट फ्रॉम इंक्वायरिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब ये हम बात करें किसकी, ये हम बात करें स्टेट की और ये हम बात करें नेशनल लेवल की, ठीक है ना, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या बोला है आर्टिकल 121 और 211 क्या बोलता है, मैंडेट्स एट द जुडिशियल कंडक्ट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इनके कंडक्ट को लेके जो है ना तो पार्लियामेंट में बात होगी और ना तो स्टेट लेजिस्लेचर में बात होगी, ठीक है। आर्टिकल 53-154 क्या कहता है, प्रोवाइड दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट शैल बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर and they enjoy immunity from civil and criminal liability, ठीक है ना। तो जब तक ये अपने पोस्ट में है तो इनमें जो है किसी भी टाइप की सिविल या फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है इनसे जो है इनको क्या मिलेगा, इम्यूनिटी मिलेगा। फिर आर्टिकल हमारे पास है 361, द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर दर एक्सरसाइज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ देयर ऑफिस। तो इनको जो है जुडिशियल इम्यूनिटी जो है की प्राप्ति हुई है। फिर हम बात करेंगे डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर द लोकपाल, तो आरटीआई रिप्लाई में जो है इट हैज बीन रिवील्ड दैट द सेंटर इज येट टू अपॉइंट अ डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर मोर देन 2 इयर्स आफ्टर द लोकपाल। तो लोकपाल के 2 साल के आने के बाद जो है सरकार अभी भी सोच रही है कि हम एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को जो है अपॉइंट करेंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे लोकपाल एक्ट ऑफ 2013 के बारे में। द एक्ट अलाउज सेटिंग अप ऑफ एन एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन कॉल्ड द लोकपाल एट द सेंटर। तो यहाँ पे जो है ये जो लोकपाल होगा ये आपका सेंटर लेवल पे होगा, वेयर एज दिस लोकायुक्त जो होगा ये आपका स्टेट लेवल पे होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। लोकपाल में जो है जो चेयरपर्सन के साथ साथ मैक्सिमम आपके 8 मेंबर होंगे, ठीक है ना। द लोकपाल विल कवर ऑल कैटेगरीज। अब इसमें पब्लिक सर्वेंट्स को भी डाला गया है और प्राइम मिनिस्टर को भी जो है डाला गया है। बट आर्म्ड फोर्सेस डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ लोकसभा लोकपाल। तो ये आपका प्रीलिम्स पॉइंटर है, आपको ध्यान में रखना है कि प्राइम मिनिस्टर को भी जो है इस लोकपाल के अंदर जो है रखा गया है और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस को जो है उनको जो है इसके एम्बिट से बाहर रखा गया। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखते हैं द एक्ट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स प्रोविजंस फॉर द अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी acquired by corrupt means। तो corrupt means के through भी property जिसने collect करी है, खरीदा है, उसको जो है ये क्या कर लेगा, वो उसको जो है ये अपने office में attach कर लेगा, ठीक है ना। Even when the while the prosecution is pending, तो case के prosecution अगर pending है तभी जो है ये property को confiscate कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में देने की जरूरत है। द स्टेट जो है स्टेट लेवल पे जैसे कि मैंने कहा क्या होगा, लोकायुक्त होगा विद 1 year ऑफ द कमेंसमेंट। द एक्ट ऑल्सो इंश्योर दैट द पब्लिक सर्वेंट्स हु एक्ट एज अ विजल होल्स आर प्रोटेक्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो एथिक्स में क्वेश्चन आया था हमने पहले भी डिस्कस करा था, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और ये विजल ब्लोअर जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं क्या है कि डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी के बारे में क्या है। देयर शैल बी अ डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। He or she shall be appointed by the central government for conducting preliminary inquiries referred to the CVC by the Lokpal, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है भाई एक ऑफिसर को अपॉइंट करा जाएगा जो भी इंक्वायरी से रिलेटेड जो है वो देखेगा। अब अगर बात करें एस्टैब्लिशमेंट की तो स्टैट्यूटरी बॉडीज है, इतना तो हमें समझ में आता है क्योंकि भाई इनके लिए क्या है, इनके लिए जो है एक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो लोकपाल भी स्टैट्यूटरी के अंदर आता है और आपका लोकायुक्ता भी जो है ये भी आपका स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर जो है ये आता है। कंपोजिशन की जैसे की बात करेंगे मल्टी मेंबर है, चेयरपर्सन विद मैक्सिमम ये भी हमने बात कर लिया था, मिनिमम 50% मेंबर शैल बी फ्रॉम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज और वुमेन, ठीक है ना। 50% आपको ये ध्यान में रखना है, 50% जो है वो आपके जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए और साथ में बाकी के 50 जो है एससी एसटी का भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोकपाल में मांगता है। क्वालिफिकेशन क्या क्या, जुडिशियल मेंबर या तो करेंट या फिर फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है हो सकते हैं। नॉन जुडिशियल मेंबर की बात करोगे तो एमिनेंट पर्सन, मिनिमम 25 साल का एक्सपर्टीज होना चाहिए एंटी करप्शन पॉलिसीज को लेके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में विजिलेंस को लेके, फाइनेंस को लेके, इंश्योरेंस बैंकिंग एंड इन सबसे रिलेटेड। तो बोलने का मतलब ये है कि मेंबर्स में भी जो है डाइवर्सिफिकेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा इश्यूज को जो है डिस्कस कर पाएंगे। अगर सबको अगर जुडिशियल मेंबर्स को डालेंगे तो इनका जो स्कोप होगा वो नैरो डाउन हो जाएगा, वो सिर्फ
जुडिशरी के डोमेन तक ही जो है वो लिमिटेड रह लेगा, ठीक है ना। इयर्स आपको ध्यान में रखना है, 5 years और 70 years, ठीक है ना। अब ये जो है इनमें जो सैलरी मिलेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और मेंबर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट जो है इनके चेयरमैन को अलाउंसेस जो है वो मिलेगा। अपॉइंटमेंट अब ये इंपॉर्टेंट है कि लोकपाल को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, और लोकायुक्ता को कौन करेगा, गवर्नर करेगा। सिलेक्शन कमेटी होगी 3 मेंबर की, जिसमें आपके कौन कौन होंगे, पीएम होंगे, आपके स्पीकर होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। प्लस सीजीआई होंगे, हो सकते हैं, ठीक है ना, ये आपके हो सकते हैं। और अगर इनकेस अगर ये नहीं आ पाए और सीजीआई नॉमिनी, उस नॉमिनी जो है भेज सकते हैं। An eminent jurist to be nominated by the president on the recommendation of the first 4 members of the selection committee. ये यहाँ पे correct कर लीजिए, total आपके यहाँ पे होंगे 5, तो ये जो पांचवा जो होगा वो 4 member के recommendation से जो है वो आएगा। Search committee की अगर बात करें, to assist the selection committee, 50% of the members shall be from this. तो यहाँ से भी representation के लिए जो है selection committee में भी जो है यही लोग होंगे, ठीक है ना। उसके बाद सीवीसी ऑन डिले इन investigations के बारे में बात करेंगे, तो recently सीवीसी has directed all ministries and departments of the union government to strictly adhere to the time limits for various stages of disciplinary proceedings in the vigilance cases. To yahan pe time limit ki baat kari hai, kyunki investigation ke cases mein time pehli baat bahut important role hota hai, dusra agar cheezon mein delay hoga to kahin na kahin jo hai jo evidences honge wo aapke jayenge met. CVC ki baat karenge to it's a statutory body, ye aapko dhyan mein rakhna hai. कॉम्पोजिशन की अगर बात करेंगे तो मल्टी मेंबर बॉडी है, तो उसमें देखो वो यही चीजें हैं। अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, इसके लिए सिलेक्शन कमेटी होगी जिसमें आपके पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और ये आपको देखना है कि इसमें आपका यूनियन होम मिनिस्टर होगा। कंफ्यूज यहाँ पे कर सकता है क्योंकि इससे पहले जो है हमने बात करी थी चीफ जस्टिस के बारे में, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में। टेन्योर आप लोग देख लीजिए, 4 साल और 65 years हो सकता है। सैलरी जो है वो भी देख लीजिए। रिमूवल को देखते हैं, प्रेसिडेंट कैन रिमूव, तो सीवीसी को कौन रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, और एनी विजिलेंट, ओके ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन आल्सो रिमूव द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एनी ऑन द ग्राउंड ऑफ, अब इसमें जो है जो ग्राउंड है वो डिफाइंड नहीं है, तो क्या बताया गया कि भाई मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और ये जो है मैटर किसके पास जाएगा, मैटर जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ये मैटर जाएगा। उसके बाद सीवीसी जो है एनुअली अपना एक रिपोर्ट निकाल के लेकर आते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। तो इसके पास अगेन इसके पास वही पावर होती है कि अपने प्रोसीजर को रेगुलेट कर सके। इसके पास सिविल कोर्ट की भी पावर होगी और इसके इसका जो प्रोसीडिंग होगा उसमें उसमें आपको जुडिशियल कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सीवीसी को जो है कंप्लेंट रिसीव होती है करप्शन से रिलेटेड या फिर मिसयूज ऑफ ऑफिस और टू रिकमेंड एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो सीवीसी जो है वो ले सकती है। फिर हम बात करेंगे एक्सटेंडेड टेन्योर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर एंड सीबीआई के बारे में। तो रिसेंटली जो है स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ऑपोजिशन की तरफ से उठाया गया था कि भाई लोकसभा में जो है 2 bills पास करे गए जिसने कि क्या करा, जो ईडी चीफ और सीबीआई डायरेक्टर के जो टेन्योर है उसको 2 साल से बढ़ा के जो है 5 साल कर दिया गया, ठीक है ना। कि अब देखो यहाँ पे क्या है, अर्लियर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमोलगेटेड 2 ordinances दैट वुड allow the center to extend the tenure of the directors of the CBI and enforcement from 2 to 5 years, ठीक है। तो इसमें ये है, इसको बोलते हैं institutional corruption, ठीक है ना। Laws क्या-क्या करेगा, the change in the tenure of the CBI director was done, तो जैसे कि मैंने कहा था CBI कहाँ से अपनी power derive करता है, दिल्ली Special Police Establish Act। On the other hand, the changes to the tenure of the ED director was brought in amending, और ED director के लिए जो इनको क्या चेंज कर, कौन से law act में चेंज करना पड़ा था, CVC Commission Act 2003, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपको सीबीआई क्या है, सीबीआई जो है इट्स अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। अब बोलोगे सर वहां पे तो एक्ट लिखा हुआ था, पर सीबीआई एक्ट तो नहीं है ना, सीबीआई एक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं, वो तो उस पावर से, वो तो उस एक्ट से अपनी पावर को डिराइव करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा यह है कि ये जो है प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये रिकमेंडेशन किसने करा था, संथानम कमेटी जो है दैट इज रिलेटेड टू सीवीसी, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना, डेराइव पावर। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर आती है, तो ये आपको जो है थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इट इज हेडेड बाय डायरेक्टर, ठीक है ना। एडिशनल जो है आपके ज्वाइंट डायरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। अपॉइंटमेंट्स की अगर आप बात करोगे तो 3 member कमेटी है जिसमें कि अगेन देखो पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और सीजीआई जो है होंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है कहाँ कहाँ पे होम मिनिस्टर होंगे और कहाँ कहाँ पे ये है। इन केस ऑफ नो रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, देन द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के पार्टी जो है वो लोकसभा
जो है इस कमेटी में जो है वो आ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसका काम क्या है, करप्शन से रिलेटेड चीजों को देखना, इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड चीजों को देखना,